अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। फर्स्ट हमने दो लॉग हमने डिस्क्राइब कर दिए थे, जिनमें से एक शॉर्ट रैंक लॉग और एक मटेरियल सबमिटर लॉग था। आज तीसरे को देखते हैं, RFI लॉग। RFI क्या होती है? रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। जब भी कोई साइट के ऊपर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि इंफॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्टर के पास नहीं होती या कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन उसको चाहिए होती है, तो वो फिर RFI सबमिट करके वो इन्फॉर्मेशन कंसल्टेंट या डिजाइनर या क्लाइंट जिस जो भी इन्वॉल्व होता है प्रोजेक्ट में उससे लेता है, तो उसके लिए वो सबमिट करता है। उसका जो लॉग होता है वो ये होता है। अब यहाँ पे भी तक जो लोगो आएगा जिस कंपनी के लिए आप काम करेंगे उसका, फिर उस कंपनी का नाम और रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन ट्रैकर लॉग और यहाँ प्रोजेक्ट वगैरह का जो नेम है ये और एड्रेस आ जाएगा। ये जो है प्रोजेक्ट का नंबर, ये प्रोजेक्ट के नंबरिंग रहते हैं डिफरेंट कंपनी के, तो वो आ जाएगा। आप स्टेटस पे, यहाँ पे दो तीन स्टेटस पे, पहला जो है वो ये है ए, अगर तो रिप्लाई कर देता है वो कंसल्टेंट तो उसको ए लिखेंगे। पी तब आएगा जब वो सबमिटेड होगी लेकिन रिप्लाई नहीं की हुई होगी। और ओडी मतलब ये कि एक खास डेट से उसने एक्सटेंड कर दिया है, एक खास डेट से ऊपर हो गया और उसने रिप्लाई नहीं किया कंसल्टेंट ने, तो उसको हम ओवरड्यू कहेंगे। अब यहाँ पे पार्सिंग रेफरेंस, पार्सिंग लर्निंग का रेफरेंस नंबर आ जाएगा। RFI का रेफरेंस नंबर क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ, आप दूसरी वीडियो देख लें। यहाँ पे कंसल्टेंट का रेफरेंस अगर वो किसी ट्रांसपोर्टर के थ्रू आपको देता है। यहाँ पे रिविजन नंबर, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है कि RFI का सब्जेक्ट क्या है, किस बारे में वो RFI है। उसके बाद आपका जो है वो डॉक्यूमेंट रेफरेंस नंबर आ जाएगा। डॉक्यूमेंट रेफरेंस नंबर के अंदर स्पेसिफिकेशन रेफरेंस नंबर या BOQ रेफरेंस नंबर या इस तरह की कोई चीज रहती है। उसके अलावा लोकेशन क्या है, किस लोकेशन के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल किसी टॉयलेट की है, बेडरूम की है, ड्रेसिंग की है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन जो है वो सारी, ठीक है। अरेंज्ड बाई किसने, ये RFI लिखी है आपके प्रोजेक्ट मैनेजर ने, प्रोजेक्ट इंजीनियर ने, कंस्ट्रक्शन मैनेजर ने, किसको इशू कर रहे हैं, कौन सी कंपनी को, डेट सबमिटेड, डेट रिसीव, टाइम टिकट, और जो वो रिप्लाई लेके वापस करेंगे वो, और यहाँ पे स्टेटस आ जाएगा। तो ये RFI का लॉग था। दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आता है डॉक्यूमेंट ट्रांसमिटर लॉग। डॉक्यूमेंट ट्रांसमिटर में लॉग में भी यही है, यहाँ पे लोगो, फिर प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट एड्रेस, इनकमिंग ट्रांसमिटर लॉग, यहाँ पे सीरियल नंबर, ट्रांसमिटर नंबर, XYZ रेफरेंस नंबर, कोई दूसरा रेफरेंस नंबर है तो वो, डिस्क्रिप्शन, इशूड बाई किसने इशू किया है, इशू टू किसको इशू हुआ है, डेट ऑफ इशू कौन सी डेट को इशू हुआ है। बाद का डॉक्यूमेंट की डेट डिफरेंट होती है जो उसके ऊपर लिखी होती है, लेकिन रिसीव वो बाद में होता है तो वो डेट यहाँ पे लिखते हैं। और रिमार्क्स, अगर कोई रिमार्क्स वगैरह हो तो यहाँ पे वो आ जाता है। उसके अलावा मटेरियल इंस्पेक्शन, मटेरियल इंस्पेक्शन क्या होती है कि जब मटेरियल साइट के ऊपर आ जाता है तो कॉन्ट्रेक्टर कंसल्टेंट को रिक्वेस्ट करता है कि आप आके ये मटेरियल चेक कर लें कि ये एज पर जो सबमिटेड मटेरियल है उसके मुताबिक है या मकसद स्पेसिफिकेशन और जो अप्रूव मटेरियल आपने किया है उसके मुताबिक है या नहीं है। तो फिर कंसल्टेंट आके साइट पे चेक करता है और अगर वो मटेरियल एज पर स्पेसिफिकेशन हो, एज पर अप्रूव्ड मटेरियल हो, तो उसको अप्रूव कर देता है। तो इसका ये लॉग होता है। अब यहाँ पे कंपनी का लोगो या जिसके लिए आप काम करेंगे, मैंने अपना लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट का नेम, प्रोजेक्ट का एड्रेस, ये वाले जो है वो स्टेटस है, पी इशूड फॉर अप्रूवल, ओडी ओवर ड्यू, IR रिव्यू, रिटर्न फॉर करेक्शन, SS सुपरसीडेड, एक्स नो लॉन्गर, BNC अप्रूव्ड एज नोटेड। तो ये सारे मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूँ। ये पहला आप ए अप्रूव्ड है, बी अप्रूव्ड एज नोटेड है, और सी रिसबमिट है, डी रिजेक्टेड है। यहाँ पे भी सीरियल नंबर, आपका रेफरेंस नंबर, कंसल्टेंट का रेफरेंस नंबर, डॉक्यूमेंट का सॉरी मटेरियल का जो इंस्पेक्शन है उसका रेफरेंस नंबर, मैन्युफैक्चरर सप्लायर कौन है उसका नेम लिखेंगे, लोकेशन ऑफ यूज, यहाँ पे इनिशिएटर किसने ये इनिशिएट की है, कौन ये बना रहा है, इशू टू किसको इशू कर रहे हैं, डेट ऑफ सबमिशन क्या है, डेट ऑफ कमेंटेड क्या है,
कितना टाइम लिया है, स्टेटस, इनमें से कोई भी स्टेटस जो कंसल्टेंट आपको देता है वो, और लास्ट स्टेटस इसका क्या है, ये यहाँ पे आ जाएगा मेटीरियल इंस्पेक्शन लॉग के अंदर। नेक्स्ट उसके अंदर है आपका कंफर्मेशन ऑफ वर्बल इंस्ट्रक्शन का। ये वो चीज होती है कि साइट के ऊपर बाज अवकात आप साइट विजिट कर रहे होते हैं क्लाइंट के साथ, और वो कोई चीज पॉइंट आउट करता है, कोई चीज ऐड करता है, कोई चीज रिमूव करता है, तो वर्बली करता है, तो उसको डॉक्यूमेंट के ऊपर लाने के लिए फिर आप इसको यूज करते हैं। इसको कहते हैं कंफर्मेशन ऑफ वर्बल इंस्ट्रक्शन। और इसका लॉग जो होता है वो ये होता है, इसमें भी ये लोगो, प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट एड्रेस, इसके जो स्टेटस हैं वो ये ए कंफर्म, बी सी रिफ्यूज, पी सबमिटल, ओ डी ओवरड्यू, यहाँ पे सीरियल नंबर, सीबीआई का रेफरेंस नंबर, उसके बाद आपका एबीसी रेफरेंस नंबर, मीन जो कंसल्टेंट है उसका रेफरेंस नंबर, सब्जेक्ट क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, इशूड बाय किस बंदे ने वो इशू की है, इशू टू किसको इशू की, डेट सबमिटेड, डेट रिप्लाई, टाइम टेकन, स्टेटस, यहाँ पे सारी चीजें आ जाएंगी। नेक्स्ट आपके पास है मेथड स्टेटमेंट्स। साइट के ऊपर कोई भी काम होता है, किसी भी तरह से कोई काम करवाया जाता है, तो वो उसका क्या तरीका कार होगा, उसका प्रोसीजर क्या होगा, किस प्रोसीजर के तहत वो काम होगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ सीमेंट का वर्क है, तो वो किस तरह से वो इनिशिएटिव किया जाएगा, कौन सा सीमेंट होगा, कैसे लाया जाएगा, उसके सेफ्टी का क्या तरीका कार होगा, तो ये सारी चीजें एक मेथड स्टेटमेंट बताती है आपको, और ये कंसल्टेंट अप्रूव करता है। तो इसका लॉग ये होता है, यहाँ पे लॉग, प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट एड्रेस, इसके ये स्टेटस होते हैं, फिर यहाँ पे ये सारी चीजें ऑलमोस्ट वही है जो कि पिछले लॉग में बता चुका हूँ, तो इसलिए मैं इसको क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट आपका है क्लाइंट इंस्ट्रक्शन। क्लाइंट इंस्ट्रक्शन बात बात ऐसा होता है कि क्लाइंट एक्स्ट्रा कोई इंस्ट्रक्शन देता है। फॉर एग्जांपल वो आपको कहता है कि साइट पे आप लेबर बढ़ाएं, या साइट के ऊपर ये काम करें, या साइट के ऊपर इस तरह से करें, या ये काम ऐसे हो रहा है उसको इस तरह से करें, कोई एक्स्ट्रा एडिशनल इंस्ट्रक्शन देता है रिसोर्सेज बढ़ाने के लिए, कोई और काम करने के लिए, तो उसको साइट क्लाइंट इंस्ट्रक्शन कहते हैं। प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट एड्रेस, और यहाँ पे भी क्लाइंट का जो रेफरेंस नंबर वो होगा, इसके अलावा एक्स वाई जेड किसी को कोई और रेफरेंस है वो, डिस्क्रिप्शन क्या है, इशूड बाय किसने इशू की है क्लाइंट की तरफ से, इशू टू किसको इशू हुई है, डेट ऑफ इशू क्या है, डेट ऑफ रिसीव क्या है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्लियरेंस रिक्वेस्ट। अब क्लियरेंस रिक्वेस्ट क्या होती है, जब भी कोई सिविल का कॉन्ट्रेक्टर आपने उसने कोई कंक्रीट करना है, प्लास्टर करना है, या कहीं पे कोई काम इस तरह से करना है कि वहां पे कोई एमईपी का काम आ सकता है, तो फिर वहां पे वो एक रिक्वेस्ट करता है जो एमईपी के कॉन्ट्रेक्टर को कि आप तो चेक कर लें कि आपका कोई काम यहाँ पर रह तो नहीं गया। तो इस प्रोसेस को क्लियरेंस रिक्वेस्ट कहते हैं, कि क्लियरेंस रिक्वेस्ट क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारा कुछ आपका ये आ जाता है, इसके स्टेटस होते हैं यहाँ पे ए सी पी और सारा कुछ, और ये बाकी सारा तकरीबन ऑलमोस्ट सेम ही होता है। नेक्स्ट आपका है नॉन कन्फॉर्मेंस रिपोर्ट। ये मैं इसकी डेफिनेशन आपको बता चुका हूँ, वीडियो आप चेक कर लें। उसके अंदर नॉन कन्फॉर्मेंस रिपोर्ट वो होती है कि जब कोई काम साइट पे एज पर स्पेसिफिकेशन, या एज पर अप्रूव्ड मेथड स्टेटमेंट, या एज पर अप्रूव्ड मटेरियल सबमिटेड, या कोई भी कन्फॉर्मेंस नहीं होती जो कि आपने कमिट की हुई होती है एज ए कॉन्ट्रेक्टर, जो आपने कंसल्टेंट या क्लाइंट के साथ कमिट की होती है कि आप इस तरह से काम करेंगे या ये काम करेंगे, लेकिन आप वो करते नहीं है, कोई थोड़ा सा हट के कर देते हैं या गलती कर देते हैं जानबूझ के, ऐसे हो जाती है, तो फिर वो कंसल्टेंट आपको नॉन कन्फॉर्मेंस रिपोर्ट इशू करता है। आप उसके बाद क्या करते हैं, उस काम को सही करते हैं और कंसल्टेंट को लिख के देते हैं कि जी ये काम हमने सही कर दिया है, अब आप इसको चेक कर लें। फिर वो दोबारा आके चेक करता है, अगर सही काम हो गया हो तो वो उसको क्लोज कर देता है, अदरवाइज नहीं। तो ये इसका थोड़ा सा होता है। प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट एड्रेस, जिसने इशू की है उसका रेफरेंस नंबर, और फिर उसके बाद कोई और रेफरेंस नंबर, डिस्क्रिप्शन इसकी क्या है, इशू किसने की, इशू किसको हुई है, कौन सी डेट को आपको वो एनसीआर रिसीव हुई है, और कौन सी डेट को आपने एज ए कॉन्ट्रेक्टर उसको वापस किया है, कितना टाइम लिया है कंसल्टेंट ने इसको रिप्लाई करने में, और कितना कब वो क्लोज हुई है, किस डेट को वो क्लोज हुई है, और उसका स्टेटस क्या है, तो ये सारा कुछ।
तो ये आज की वीडियो के अंदर मैंने लॉन्स का जो सेशन था ये कंप्लीट कर दिया है। होपफुली आपको ये पता चल गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर कोऑर्डिनेट्स का जो बाकी स्ट्रक्चर है उसको